Hey guys, it's Neha. Welcome back to my channel. तो friends, आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं यार. तो आप सोचोगे क्या स्पेशल करने वाले हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको पता है कि आज हम क्या स्पेशल करने वाले हैं, क्योंकि थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा. लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज हम क्या स्पेशल करने वाले हैं. तो आज हम पिस्ते के छिलके से कुछ करने वाले हैं. कैन यू बिलीव इट, तो आज मैं पिस्ते के छिलके से कुछ बनाने वाली हूँ. तो मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा कि आज मैं पिस्ते के छिलके से कुछ बनाऊंगी. एंड कैसे बनाऊंगी यार, मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा. लेकिन यार, मैंने ये मुद्दा उठाया है तो मैं इस मुद्दे को ज़रूर पूरा करूंगी. एंड मैं आज पिस्ते के छिलके वाला जो मेरा आइडिया है उसे ज़रूर बना के पूरा करूंगी. तो आज मैं पिस्ते के छिलके से फ़ोटो फ्रेम बनाने वाली हूँ. तो मेरे पास एक फ़ोटो थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ़ोटो को फ्रेम कर दिया जाए. फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना इनको पिस्ते के छिलके से फ्रेम किया जाए. तो मेरे पास पिस्ते के छिलके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम कुछ नया क्रिएट करते हैं. एंड आज कुछ यूनिक क्रिएट करते हैं. तो मैं आज ब्यूटीफुल सा फ्रेम बनाने वाली, एंड वो भी पिस्ते के छिलकों से. कैन यू बिलीव इट, मुझे खुद नहीं पता कि यार आज मैं क्या करने वाली हूँ. एंड पिस्तों के छिलके से क्या फ्रेम बनाया जा सकता है, मुझे खुद नहीं पता. क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड आई डोंट नो द आउटकम ऑफ दिस. लेकिन आज मैंने इसे ठाना है, करना है तो करना ही है. एंड मेरे दिमाग में इस तरह के यूनिक आइडियाज़ आते रहते हैं एंड मैं उन्हें ज़रूर क्रिएट करती हूँ. अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ यूनिक आइडियाज़ आते हैं तो यार ज़रूर बताया करो, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करो. एंड फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार आप लोगों से बातें करके. एंड आप लोगों के लिए इस तरह की क्यूट क्यूट वीडियोज़ बना के बहुत मज़ा आता है. तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह की चीज़ें क्रिएट करती रहती हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है. तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लव यू गाइस. अगर नहीं किया है तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो. एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो देखते हैं कि आज हम पिस्तों के छिलके से क्या मैजिक करने वाले हैं. तो यार, आज मैं अपने जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ एंड आज इस पिस्तों के छिलके से फ़ोटो फ्रेम बनाने वाली हूँ. मुझे खुद नहीं पता कि आज मैं कैसे पिस्तों के छिलके से फ्रेम बनाऊँगी. लेकिन यार, बनाना है तो बनाना ही है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स मूव टू द वीडियो. तो चलो देखते हैं कि आज पिस्तों के छिलके से हम कैसे फोटो फ्रेम बनाएंगे. तो गाइस, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना पिस्ते के छिलके से आज कुछ बनाऊं. तो यार, आज मैंने पिस्ते के छिलके ले लिए हैं. आज मैं इससे फोटो फ्रेम बनाने वाली हूँ. कैन यू बिलीव इट, आज इससे मैं फोटो फ्रेम बनाने वाली हूँ. तो ये बहुत ही यूनिक आइडिया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस काम करने में. तो सबसे पहले मैंने एक दफ्ती ले ली है एंड इस दफ्ती को मैंने मेज़र कर लिया है. एंड अब मैं इस कार्डबोर्ड को कट 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 काट दूँगी. एंड उसके बाद जब ये फ्रेम के जैसा शेप आ जाएगा, मींस हमारी दफ्ती जब रेक्टेंगुलर शेप में कट जाएगी, तब हम उसके ऊपर फ़ोटो को पेस्ट कर देंगे. तो फ़ोटो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यार हम फेविकोल को अच्छे से अप्लाई कर देंगे. एंड फेविकोल अप्लाई होने के बाद उस पर हम फ़ोटो को पेस्ट कर देंगे. तो यार, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया है एंड आई डोंट नो कि आपने कभी ऐसा बनाया है या नहीं बनाया है. अगर बनाया है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना तुमने भी ऐसा कुछ बनाया है. तो यार, अब मैंने फटाफट फ़ोटो को पेस्ट कर दिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है. एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी लग रहा है कि ये फ़ोटो फ्रेम जो है हमारा बॉर्डर जो है पिस्ते के छिलकों वाला है. मतलब हम किसी भी चीज़ से क्रिएटिविटी कर सकते हैं यार, पिस्ते के छिलके से भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि यार आज मैं पिस्ते के छिलके से कैसे क्रिएटिविटी करने वाली हूँ. तो यह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. आप देख रहे हो कि मैं पिस्ते के छिलके को फेविकोल लगा लगा के फटाफट चिपकाती जा रही हूँ. एंड ये बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, इसको बनाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. एंड ये बहुत यूनिक भी है एंड बहुत ब्यूटीफुल भी है. तो आपको ये कैसा लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार इसको बनाने में. ये पिस्ते के छिलके जो हैं हमारे चिपकने ही वाले हैं एंड ये फिनिश होने वाला है. तो ये बहुत ही गजब एंड बहुत ही मज़ेदार आइडिया है एंड इसे ज़रूर ट्राई करना घर पे. एंड अगर आप भी पिस्ते खाते हो तो यार बताना कमेंट बॉक्स में. एंड हाँ, पिस्तों के छिलका मत भूलना एंड उसको कलेक्ट करके रख लेना. एंड तुम भी इस तरह का फोटो फ्रेम ट्राई करना एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया है एंड यूनिक प्रोसेस है. तो इस पिस्ते के छिलके को ज़रूर ट्राई करना यार एंड ज़रूर सुंदर सा फ़ोटो फ्रेम बनाना. एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि तुमने ये फ़ोटो फ्रेम बनाया. एंड फाइनली यार, पिस्ते के छिलकों पे मैं ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट से पेंट कर दूँगी
एंड मैंने फेविस्टिल का कलर ले लिया है एंड अब मैं ब्लैक कलर से डॉट 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 करूँगी एंड मैं इसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं इसमें डिटेलिंग करूँगी एंड डिटेलिंग करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गजब लगने वाला है, क्योंकि आप कोई भी आर्ट प्रोडक्ट बनाते हो तो यार डिटेलिंग के बिना तो मज़ा आता ही नहीं है, तो इसलिए डिटेलिंग करना तो ज़रूरी है ही। आपको पता है डिटेलिंग करना मेरा कितना फेवरेट काम हुआ करता है एंड मैं डिटेलिंग किए बिना नहीं रह सकती। तो यार मैंने फाइनली डिटेलिंग कर ली है एंड हमारा ये फ़ोटो फ्रेम रेडी हो चुका है एंड अब मैं सोच रही हूँ कि इस फ़ोटो फ्रेम को मैं कैसे हैंग करूँगी या और कैसे रखूँगी। तो इसके लिए भी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने एक बॉटल का ढक्कन ले लिया है एंड उस ढक्कन में मैंने बीच में छेद कर दिया है और अब मैं इस ढक्कन को फ्रेम के पीछे फेविकोल लगा के चिपका दूँगी एंड ये आसानी से चिपक जाएगा एंड फिर आप इसको कहीं भी यार हैंग कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया है एंड ये बहुत ही फंटास्टिक आइडिया है कि आप बॉटल के कैप से भी होल्डर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स फाइनली वी हैव डन विद आवर वर्क। तो आपने देखा कि मैंने पिस्ते के छिलके से कितना सुंदर फोटो फ्रेम क्रिएट कर दिया एंड आप भी इस तरह से फ़ोटो फ्रेम क्रिएट कर सकते हो घर पे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही नाइस आइडिया है एंड इसको बनाने में कुछ भी खर्चा नहीं है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक पुरानी फटी हुई दफ्ती मेरे पास रखी थी, उसका साइड का कोना काटा एंड पिस्तों के छिलके एंड ब्लैक कलर से मैंने पूरा ये फ़ोटो फ्रेम क्रिएट कर दिया एंड ये बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया एंड मैं अपने घर को इस पिस्तों के छिलके से और भी ज़्यादा डेकोरेट करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी पिस्तों के छिलके से क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो मीन्स कि यार मैं कुछ और भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं यार ज़रूर कोई ना कोई नया वीडियो लेकर आऊँगी पिस्तों के छिलके से रिलेटेड। तो मैं पिस्तों के छिलके से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया लेकर जरूर आऊँगी एंड आप मेरी वीडियो का जरूर वेट करना। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे क्रिएट करते हो तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट कि यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसको बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत ज़्यादा फन भी लगा एंड बहुत ज़्यादा मैं सुपर एक्साइटेड थी जब मैं इसे क्रिएट कर रही थी। तो आई वॉज सो हैप्पी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आज का मेरा वर्क एंड आज का मेरा प्रोसेस कैसा लगा एंड ये पिस्ते के छिलके वाला आइडिया कैसा लगा यार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ करते हैं सुपर डुपर एंड फिर करते हैं कुछ धमाल। तो आज के लिए बाय बाय।